प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार देश के रचनाकार समुदाय की प्रतिभा को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में देश में डेटा क्रांति देखी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसा कंटेंट अधिक से अधिक बनाना चाहिए जिससे युवाओं में नशे के नकारात्मक प्रभाव को लेकर जागरूकता लाई जा सके और युवा यह समझ सके कि नशा उनके लिए कितना हानिकारक है। जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए, हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, कूल साथियों, इसमें बहुत बड़ा और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की कल्पना एक लॉन्चपैड के रूप में की गई है। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं का फैसला किया गया। ये पुरस्कार 20 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, वर्ष का विध्वंसक पुरस्कार, वर्ष का सेलिब्रिटी निर्माता, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माता शामिल हैं।